Hello students, today we learn the new alphabets of English. Which letter is this? This is the Y, capital letter Y. तो बच्चों हमें ये पे ये Y for क्या होता है? Y for yak, Y for yach, Y for yarn. ऐसे बहुत से वर्ड्स है जो Y से स्टार्ट होते हैं. तो हमें इस वीडियो में सीखना है Y को हम फोर लाइन में कैसे लिखेंगे. इंग्लिश की जो बुक होती है वो फोर लाइन के उसमें कैसे लिखेंगे वो हमें इस वीडियो में सीखना है. सो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहला हमारा जो स्टेप है वो का है, पहले हम करेंगे यहाँ पे हमारे पास फोर लाइन है, 1 2 3 4 फोर लाइन है. उसमें फर्स्ट और फोर्थ लाइन है वो रेड कलर की है और बीच वाली दोनों लाइन है वो ब्लू, सेकंड और थर्ड लाइन है वो ब्लू कलर की है. तो हमें ये Y को कहाँ से स्टार्ट करना है? Y को हम पिंक लाइन से रेड वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे और जो सेकेंड वाली ब्लू लाइन है वहां तक हम एक स्लांटिंग रेखा ड्रॉ करेंगे. ये देखो पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक एक छोटी सी लाइन बनाए, फिर यहाँ से उसके बाजू में से थोड़ी जगह छोड़ के रेड वाली लाइन से हमने एक और छोटी स्लैंटिंग लाइन बनाई, फिर यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन. ये बन गया हमारा वाई. एक यहाँ से हम स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से बीच की स्लैंटिंग लाइन उसी को टच करते हुए फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, सेकेंड स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्लैंटिंग लाइन डाउन. दोनों को, दोनों स्लैंटिंग लाइन को एक दूसरे से टच करना है और फिर वहां से जॉइंट करते हुए है एक स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, फिर दोनों को जॉइंट करते हुए स्टैंडिंग लाइन. अब देखो अब हम यहाँ पे ट्रेसिंग वाला कर लिया, अब बिना ट्रेसिंग की मदद से लिखेंगे. देखो स्लैंटिंग लाइन डाउन, वापिस यहाँ पे जगह छोड़ के दूसरी स्लैंटिंग लाइन, जो वो स्लैंटिंग लाइन को टच करती है फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, जो ब्लू लाइन को टच करे फिर यहाँ से दूसरी स्लैंटिंग लाइन, जो वो स्लैंटिंग लाइन को टच करती है फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्लैंटिंग लाइन डाउन, स्टैंडिंग लाइन. ये बन गया हमारा Y फॉर यार्न. सो बच्चों आप लोगों को पहले ट्रेस करना है और फिर बिना ट्रेसिंग की मदद से लिखना है. थैंक यू.